हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मालवीय क्लासेस में। इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और मैं आप लोगों को 100 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा साइंस का, 100 प्रैक्टिस सेट जीके का, और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवा रहा हूँ। 200 प्लस टेस्ट सीरीज जीके प्लस जीएस आपको मिक्स रहेगा, जीके प्लस जीएस। इतना मात्र पढ़ लेना है, आपके पूरे मार्क्स जीके जीएस में आ जाएंगे। और साथ ही साथ मैथ्स, स्पेशल मैथ्स और रीजनिंग आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहां से फाइंड कर लीजिए। आप एग्ज़ाम में 45 प्लस क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। आप इतना यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो 45 प्लस क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आप मैच करते जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है, ये ऊर्जा की एसआई मात्रक होता है किलोवाट घंटा। और यहाँ पर देखिए, जूल प्रति सेकंड और अश्वशक्ति और वाट, ये तीनों शक्ति की इकाइयाँ हैं। जैसे शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यहाँ पर लिख लेंगे शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड, इसलिए जूल प्रति सेकंड ये शक्ति की एसआई इकाई हो गई। और अश्वशक्ति भी शक्ति का मात्रक होता है, वाट भी शक्ति का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, देखिए किलोवाट, ये विद्युत सामर्थ्य या शक्ति की का मात्रक होता है किलोवाट, इसको याद रखेंगे। बाकी कैलोरी, वाट सेकंड और जूल, ये उसमें ऊर्जा की इकाई होती हैं तीनों। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा, उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रेरित विभवांतर की यह एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, देखिए यहाँ संकेत दिया हुआ है, और ये एम्पियर है यहाँ पर, तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, इसको लिख लेंगे धारा का मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ओम मीटर। यहीं पर यदि प्रतिरोध का मात्रक देखेंगे तो ओम होगा, ऑप्शन नंबर डी में ये प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इसको भी याद रखेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसका प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। प्रतिरोध R बराबर वी अपान आई होता है, जहाँ विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर यदि आता है तो प्रतिरोध, अर्थात रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। यहीं पर देखिएगा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, केवल यदि धारा का मात्रक एसआई मात्रक पूछेगा तो एम्पियर। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है जूल, इसको भी याद रखेंगे। और यहाँ आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसको भी याद रखना है। तो ये आप ऑप्शन भी देखते जाइएगा साथ साथ। तो इसका करेक्ट आंसर है वोल्ट प्रति एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, देखिए पिछले क्वेश्चन में भी ये आया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। यहीं पर देखिए कूलाम है, तो कूलाम होता है आवेश का मात्रक, यहाँ पर इसको देखते जाएंगे ऑप्शन भी, आवेश का मात्रक कूलाम। एम्पियर होता है देखिए विद्युत धारा का मात्रक, इसको भी लिख लेंगे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। और वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, आवर्धन की इकाई क्या है।
सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन है, आवर्धन की इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता आवर्धन क्षमता का, याद रखेंगे। यहीं पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में है डायोप्टर, डायोप्टर ये लेंस की क्षमता का मात्रक है, इसको याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। और यहीं पर ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन, न्यूटन ये बल का एसआई मात्रक होता है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है न्यूटन, तो न्यूटन ये बल का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट है देखिए कैलोरी, कैलोरी ऊष्मा या ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, कैलोरी ऊष्मा या फिर ऊर्जा का, ये सीजीएस पद्धति में मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है कैलोरी। इसी तरह देखिए जूल, तो जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, इनको भी आपको याद रखना है ऑप्शन में जो दिए हैं। लेकिन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा मीटर, दूरी का मात्रक होता है मीटर, फोकस दूरी भी आता है तो आपको मीटर ही लगाना है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए कैलोरी, तो कैलोरी ऊष्मा या ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, इसको भी याद रखिएगा, ऊष्मा या ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक कैलोरी। जूल कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, कार्य और प्लस ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक होता है जूल। वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है, इसको भी याद रखिएगा, शक्ति की एसआई इकाई वाट। तो ये तीन ऑप्शन भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओम मीटर, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर बी है मीटर, मीटर लंबाई का एसआई मात्रक होता है, इसको याद रखेंगे, और ओम है तो ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो ऑप्शन भी आप ध्यान में रखेंगे दोनों ऑप्शन। ओम मीटर ये कोई इकाई नहीं है, तो याद रखिएगा ओम प्रति मीटर यहाँ दिया हुआ है, केवल ओम मीटर होगा तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कैलोरी, कैलोरी ये ऊष्मा या ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, इसको याद रखेंगे आप लोग, ऊष्मा या ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है, इसलिए एसआई मात्रक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बाकी एम्पियर तो ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन भी याद रखेंगे। न्यूटन ये बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, इसको भी आपको याद रखना है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो ये तीनों ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लंबाई का एसआई मात्रक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहीं पर ऑप्शन में देखेंगे सी नंबर में मीटर प्रति सेकेंड, ये चाल या वेग का एसआई व्युत्पन्न मात्रक है, चाल और वेग, चाल अथवा वेग का एसआई व्युत्पन्न मात्रक होता है, ये मूल मात्रक नहीं व्युत्पन्न मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में वाट, ये शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, इसको भी आपको याद रखना है। इसी तरह सी नंबर में देखिए कूलाम, तो ये विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूटन, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, तो ये ऑप्शन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वैक्यूरल। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई होती है वैक्यूरल। और यहीं पर देखिएगा क्यूरी, तो क्यूरी देखिए रेडियो धर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की क्षमता को मापता है, तो यदि विकिरण को मापने वाली इकाई पूछेगा तो यहाँ पर याद रखिएगा क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, भार का एसआई इकाई क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, न्यूटन। बल और भार दोनों का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसको याद रखिएगा, बल और भार एसआई मात्रक न्यूटन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है किलोग्राम, तो किलोग्राम ये द्रव्यमान का एसआई इकाई है किलोग्राम, इसको भी याद रखें कि द्रव्यमान का किलोग्राम। और नेक्स्ट है देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ में डाइन, तो ये बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, इसको याद रखिएगा, बल की इकाई होती है सीजीएस पद्धति में, तो दोनों ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस राशि के एसआई मात्रक कैंडेला होता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा आवेग, तो आवेग यहां पर देखेंगे न्यूटन सेकंड होता है, इसका आवेग का एसआई मात्रक लिख लीजिएगा आप लोग, न्यूटन सेकंड। और यही इसी को लिखेंगे ग्राम मीटर प्रति सेकंड, आवेग का मात्रक होता है ग्राम मीटर प्रति सेकंड भी होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर चाल या वेग दोनों का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, चाल अथवा वेग। चाल का भी आपको याद रखना है एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, और वेग का भी। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, तो बल और भार दोनों का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन, ये भी याद रखिएगा, एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, संवेग की एसआई इकाई पद्धति में क्या है? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई, चार विकल्प दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन मैच करते जाना है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, इसको याद रखिएगा, द्रव्यमान गुणे वेग। अब द्रव्यमान का किलोग्राम होता है और वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, इसलिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा संवेग का। और यहीं पर देखिएगा ऑप्शन दिया है ग्राम मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में ग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो ये होता है आवेग का, इसको भी याद रखिए, अभी पिछले प्रश्न में यही आया था आवेग का एसआई मात्रक, तो ग्राम मीटर प्रति सेकंड भी होता है, तो ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कूलाम, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा वोल्ट, ये शक्ति का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है केल्विन, ये ताप का एसआई मात्रक होता है। और लास्ट देखिए ऑप्शन किलोग्राम, तो किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है, इनको भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश वर्ष खालिस्तान की इकाई है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, तो इसको याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए समय, तो समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड, ये मूल मात्रक है। और यहीं पर देखिएगा द्रव्यमान,
द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम का द्रव्यमान होगा। और यहाँ पर देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर, इसको याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर वैल्यू आप याद रखेंगे 9.46 × 10^15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10^15 मीटर। और यहीं पर होता है देखिए एक पारसेक, एक पारसेक यदि आता है तो एक पारसेक, ये दोनों दूरी की मापने की लंबाई होती है, सबसे बड़ी तो पारसेक ही होती है, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, इसको भी आपको याद रखना है प्रकाश वर्ष में। यदि मीटर में इसी को कन्वर्ट करना है तो मीटर में 3.08 × 10^16 मीटर, यही वैल्यू होती है मीटर में, 3.08 रहेगा इंटू 10^16 मीटर, इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा अश्वशक्ति, उद्योग में शक्ति की इकाई है अश्वशक्ति। सेकंड ऑप्शन देखिए किलोवाट, तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट। नेक्स्ट है वाट, ये शक्ति की इकाई होती है, एसआई मात्रक होता है वाट। और जूल, कार्य या ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है, याद रखेंगे जूल। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उद्योग में शक्ति की इकाई है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर, उद्योग में शक्ति की इकाई है अश्वशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से ए यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा डेसीबल। अब यहीं पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हर्ज या हर्टज, तो ये आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है, इसको भी याद रखिएगा, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज। बोल्ट, ये विभवांतर का एसआई मात्रक होता है बोल्ट, आपको ऑप्शन भी देखते जाना है। और ओम होता है यहाँ पर देखिए प्रतिरोध, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, इसको भी याद रखना है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन भी देखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्रतिबल बराबर, यहाँ पर इसको याद रख लीजिएगा फार्मूला, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो यहाँ ऊपर न्यूटन लिखेंगे और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसी को लिखते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इस फॉर्मेट में, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। और यहाँ पर फर्स्ट सॉरी सेकंड ऑप्शन देखिए डायोप्टर, तो डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक, ऑप्शन आप देखते जाएंगे, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। और लास्ट देखिए मीटर प्रति सेकंड, तो ये चाल अथवा वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, चाल या वेग दोनों का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किसे जूल से मापा जाता है? यहाँ पर देखिएगा निम्न में से किसे जूल से मापा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों को जूल से मापते हैं, एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन देखिए वेग है, तो ये चाल और सॉरी वेग और चाल दोनों का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और वहीं पर यदि सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछेगा तो डाइन, ये याद रखेंगे, दोनों आपको याद रखना है। और शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कार्य, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है जूल, एसआई मात्रक जूल होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए शक्ति है, तो ये वाट, शक्ति का एसआई मात्रक वाट। घनत्व, तो घनत्व का एसआई मात्रक आप किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इसको याद रखिएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन,
और द्रव्यमान होता है, देखिए यहाँ पर किलोग्राम, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, और आयतन का होता है बटे मीटर क्यूब आयतन का, तो इसलिए किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व का, और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, जस्ट अभी अभी पिछले प्रश्न में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए घनत्व है, तो घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि द्रव्यमान बटे आयतन होता है इसलिए, और विस्थापन की एसआई मात्रक होता है मीटर, यहाँ पर याद रखिएगा विस्थापन का मात्रक मीटर, और दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, आप इसको भी याद रखेंगे दाब का एसआई मात्रक पास्कल, और इसका दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो एक दूसरा मात्रक बन जाता है, ध्यान रखेंगे बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और बटे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, इसको याद रखिएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यहीं पर पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है दाब का मात्रक, तो दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आवेश, यहां पर याद रखिएगा धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, अब धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है, यहाँ याद रखेंगे धारा का मात्रक एम्पियर, और यहाँ पर आवेश का मात्रक होता है, यहाँ पर आवेश को ज्यों का त्यों लिखेंगे समय का सेकंड होता है, तो आवेश बटे सेकंड, अब यहाँ पर देखिएगा त्रिया गुणा करेंगे एम्पियर और सेकंड का गुणा करेंगे तो एम्पियर सेकंड बन जाएगा आवेश का मात्रक, एम्पियर और सेकंड, यहाँ पर दिया है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है तो आवेश की इकाई है। शक्ति का मात्रक होता है, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में देखिए शक्ति का मात्रक वाट होता है एसआई मात्रक, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे ऊर्जा, तो ऊर्जा होता है सॉरी कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, तो ये एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलन सामान्यतः किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, चार विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, आयतन की माप के रूप में गैलन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, रेसिस्टेंस का अर्थ होता है प्रतिरोध, यहाँ पर याद रखेंगे तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए एम्पियर है, तो एम्पियर ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, इसको भी आप याद रखिएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। नेक्स्ट वाट है, वाट इस शक्ति की एसआई इकाई होती है, शक्ति का मात्रक वाट, और लास्ट है बोल्ट, तो ये विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, इस तरह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 है, दबाव की एसआई इकाई क्या है, दबाव अर्थात यहाँ पर दाब है, अभी एक क्वेश्चन पहले हो चुका है, अब आप ध्यान रखेंगे दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, फार्मूला आपको यदि याद रहेगा तो आप इकाई पता कर पाएंगे, और यहाँ पर बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ पर याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ये दबाव की एसआई इकाई है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें पास्कल भी होती है, ध्यान रखिएगा दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, तो दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, बल का एसआई इकाई क्या है, सॉरी बल का इकाई क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बल बराबर होता है, यहाँ पर पहले फार्मूला लिख लेंगे, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इस तरह से किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है,
विस्थापन की एसआई इकाई है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विस्थापन के एसआई मात्रक होता है मीटर। लास्ट ऑप्शन देखें, मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड ये चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक होता है। चाल वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ये व्युत्पन्न मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वेबर। याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। यहीं पर यदि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता तो उसकी एसआई इकाई होती है टेस्ला, ये भी याद रखिएगा। लेकिन केवल चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई पूछ रहा तो वेबर होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए फैराडे, तो ये विद्युत धारिता की एसआई मात्रक होता है फैराडे, लिखेंगे इसको विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे। और यहीं पर देखिए हेनरी, तो हेनरी होता है प्रेरकत्व, यहाँ पर लिखेंगे प्रेरकत्व का एसआई इकाई होती है हेनरी। और थर्ड ऑप्शन है पास्कल, तो पास्कल दाब का एसआई मात्रक होता है, इसको भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन भी आप साथ साथ याद करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है, गुरुत्वीय त्वरण के मान की एसआई इकाई वही है जो खाली स्थान की एसआई इकाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण दोनों का एसआई इकाई समान होता है। और फर्स्ट ऑप्शन देखिए दाब, तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, या फिर दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, उसी को लिखेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का इकाई होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए संवेग, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और जब द्रव्यमान गुणे वेग करेंगे तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, यहीं पर लिख लेंगे, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग की एसआई इकाई है, इसको भी याद रखना है। और वेग की एसआई इकाई होती है केवल मीटर प्रति सेकंड, ये यहाँ पर लिखी हुई है। तो वेग और चाल दोनों का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर की प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई है। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नीतांक की इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर वैल्यू भी इसकी याद रखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नीतांक की वैल्यू होती है, इसको आप लिख लीजिएगा 6.67 गुणे, यहाँ पर पॉइंट होगा 10^-11, ये आपको याद रखना है वैल्यू। और फर्स्ट में देखिए दाब, तो दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और या फिर पास्कल भी होती है दाब का एसआई मात्रक, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, आप इनको सूत्र जब याद कर लेंगे तो इकाई आपको याद हो जाएगी। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग की इकाई होती है, तो इस तरह आपको इनको याद कर लेना है। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में लिस्ट भी उपलब्ध करवा दूंगा आपको एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है, की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शक्ति, शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड, क्योंकि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, इसको सूत्र याद कर लीजिएगा, आपको फार्मूले याद करना है, लिस्ट मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा इस वीडियो के लास्ट में। तो देखिएगा कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का सेकंड, तो इसलिए यहाँ पर जूल प्रति सेकंड बन जाएगा शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड। और साथ में ये भी याद रखिएगा शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, जूल प्रति सेकंड न देकर वाट दे देता है कभी कभी। और फर्स्ट ऑप्शन देखिए कार्य, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, CGS पद्धति में होता है डाइन, इसको भी याद रखिएगा, दोनों आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है।
इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, केल्विन, तापमान की एसआई इकाई होती है केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, समय, समय सापेक्ष राशि नहीं है, बाकी वेग, दूरी और त्वरण ये सापेक्ष राशि है। चाल और वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर, याद रखेंगे, और त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आपको इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। मंदता को त्वरण भी बोलते हैं, मंदता अर्थात त्वरण, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको आप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो मंदता या त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है, तो ये चाल और वेग दोनों का इकाई होती है एसआई इकाई, चाल प्लस वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मीटर, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए हर्ट्ज, तो ये आवृत्ति का मात्रक होता है, आवृत्ति की एसआई इकाई है हर्ट्ज। किलोग्राम यहाँ पर लिख लेंगे द्रव्यमान का, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, इसको भी याद कर लेंगे। और नेक्स्ट देखिए सेकेंड, तो ये समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मोल, और इसका आप याद रखिएगा एक मोल बराबर होता है, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लीजिएगा आप लोग, एक मोल बराबर होता है 6.023 × 10³³। ये एक मोल की वैल्यू होती है। फर्स्ट में देखिए लक्स, तो ये लक्स होता है प्रकाश की तीव्रता का मात्रक, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता की इकाई होती है लक्स। और नेक्स्ट टेस्ला, तो टेस्ला होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, केवल यदि चुंबकीय फ्लक्स आता है तो वेबर होता है, यहाँ पर इसको याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा इकाई होती है टेस्ला, केवल चुंबकीय फ्लक्स यदि देता तो वेबर। लास्ट में देखिएगा इसी में जूल, तो जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई इकाई होती है, कार्य प्लस ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ऑप्शन बी में देखिए जूल है, ये कार्य और ऊर्जा, कार्य प्लस ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट देखिए वाट, ये शक्ति का मात्रक होगा वाट। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा वोल्ट, ये विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एम्पियर, यहाँ पर याद रखिएगा कि धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा धारा का मात्रक तो एम्पियर ही होता है, एम्पियर बराबर आवेश का मात्रक कूलाम, और बटे को प्रति बोलते हैं, तो समय का मात्रक सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम है एम्पियर, याद रखेंगे। और यहीं पर देखिएगा नेक्स्ट है जूल, तो कार्य और ऊर्जा, यहाँ पर याद रखना है कार्य प्लस ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है जूल। और बोल्ट, यहाँ पर विभवांतर की एसआई इकाई है बोल्ट, विभवांतर। और नेक्स्ट देखिएगा सेकंड, सेकंड ये समय का मात्रक होता है, एसआई मात्रक सेकंड, आपको ऑप्शन भी क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चाल या वेग दोनों का मीटर प्रति सेकंड होता है, यहाँ पर तरंग वेग है, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए मीटर है, तो ये लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है,
और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए सेकंड, समय का मात्रक होता है, सॉरी समय का मात्रक सेकंड होगा, और हर्ट्ज है तो ये आवृत्ति के एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, इसको भी आप याद रखेंगे। इस तरह से ऑप्शन भी देखते जाना है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक मेगावाट घंटा बराबर होता है, इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए वैल्यू। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, 3.6 × 10⁻⁹ जूल, एक मेगावाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻⁹ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1.85 किलोमीटर, एक नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर, ये वैल्यू डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक नैनोमीटर बराबर होता है, एक नैनोमीटर बराबर होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर, इसको याद रखिएगा, सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर और मीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर, एक नैनोमीटर में याद रखिएगा 10⁻⁹ मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस हो गए हैं। आप लोग लास्ट में देखिएगा एक लिस्ट है, उसको भी याद कर लीजिएगा। एसआई की 7 मूल एवं 2 पूरक राशियां आप यहाँ देख सकते हैं, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो फर्स्ट देखिए, जैसे भौतिक राशि है आपके सामने लंबाई, और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, और इसका संकेत देखिए स्मॉल एम। सेकंड देखिए समय, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है और संकेत है यस स्मॉल एस। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, देखिए स्टार लगा है मतलब इम्पॉर्टेंट है जिसमें स्टार लगा होगा, और यहाँ पर देखिए संकेत है किलोग्राम। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, संकेत है कैपिटल के, क्योंकि ये भी वैज्ञानिक का ही नाम है, वैज्ञानिक के नाम से ये केल्विन रखा गया इसलिए कैपिटल के। नेक्स्ट देखिएगा विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और ये कैपिटल ए होगा इसका संकेत। नेक्स्ट देखिए ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला, और इसका इस संकेत होता है सीडी, स्मॉल दोनों रहेंगे सीडी। नेक्स्ट देखिएगा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है देखिए एसआई मात्रक, और इसका संकेत है एमओएल। तो इस तरह से 7 मूल मात्रक है, इनको आपको याद रखना है। एक बार पुनः देख लीजिए, देखिए लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 आपको याद रखना है और इनके संकेत। नेक्स्ट देखिएगा यहीं पर पूरक राशियां भी हैं, 2 पूरक राशियां हैं। फर्स्ट है समतल कोण, तो समतल कोण का होता है एसआई मात्रक रेडियन, और ये आरएडी संकेत हो जाता है। नेक्स्ट है घन कोण, तो ये इसका स्टे रेडियन होगा एसआई मात्रक, और एसआर इसका संकेत होता है। तो ये 2 पूरक राशियां हैं, और साथ ही साथ आपको कुछ सूत्र भी याद करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फार्मूले, ये लिस्ट आपको एक साथ यहाँ मिल जाएगी, तो ये आपको सूत्र याद कर लेना है, इसी से सभी के मात्रक निकाले जा सकते हैं। ये कुछ व्युत्पन्न मात्रक हैं, तो देखिए जैसे फर्स्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, फर्स्ट नंबर देखिए आयतन, तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए इसलिए लंबाई का भी चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मीटर होता है मात्रक, इसलिए इसका एसआई मात्रक होगा मीटर क्यूब, याद रखिए घन मीटर या मीटर क्यूब। सेकंड देखिएगा, सेकंड देखिए यहाँ पर चाल है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का सेकंड, तो इस तरह से इसका मीटर प्लस सेकंड हो जाता है चाल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, घनत्व है, घनत्व का देखिए द्रव्यमान बटे आयतन सूत्र होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम और आयतन का होता है मीटर क्यूब, इसलिए इसका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, घनत्व के बाद होगा त्वरण, त्वरण का होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, अब वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड और बटे हो गया सेकंड, इसलिए सेकंड 2 बार हो जाएगा बटे में, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर याद रखेंगे त्वरण का। अगला देखिएगा बल,
तो बल का होता है सूत्र द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और त्वरण का होता है देखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसलिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया बल का एसआई मात्रक। नेक्स्ट सॉरी न्यूटन भी कहेंगे, एसआई मात्रक न्यूटन होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। अगला देखिएगा कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य का देखिए होता है बल का होता है किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, इसी को लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर कार्य का। और साथ ही साथ न्यूटन मीटर भी होता है या फिर इसका जूल होता है, इसको भी याद रखिएगा। कार्य के तीनों होते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि बल का न्यूटन होगा और बल की दिशा में विस्थापन, विस्थापन का मीटर होगा, इसलिए न्यूटन मीटर भी होता है और ये जूल भी होता है कार्य का। तो इनको याद करिएगा, सूत्र से ही आप निकाल सकते हैं सभी के निगमित मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। अब कार्य का होता है जूल और समय का सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड होगा शक्ति का, यह उसी को वाट भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इसी में आवेग, आवेग होता है बल गुणे समय, तो बल का होता है न्यूटन, समय का सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड हो जाता है आवेग का एसआई मात्रक। नेक्स्ट देखिएगा संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और द्रव्यमान का किलोग्राम और वेग का मीटर प्रति सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये संवेग का। आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, लिस्ट तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देखिए दाब, दाब का होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, इसलिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है यहाँ पर दाब का। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गए, इतने ही आपको याद करना है। और नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, मैं आप लोगों को टोटल 100 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, और इसके अतिरिक्त भी आपको जीके का, साइंस का भी 100 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और जीके का 100 प्रैक्टिस सेट। आप यदि यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा मार्क्स आपका, पूरे नंबर आप यहां से फाइंड कर पाएंगे जीके जीएस का। टेस्ट सीरीज भी मैं आप लोगों को 200 प्लस टेस्ट सीरीज जीके प्लस जीएस, जीके जीएस दोनों आपको उपलब्ध करवाऊंगा चैनल के प्लेलिस्ट पर। और मैथ्स के आप टॉपिक वाइज और टाइप वाइज स्पेशल मैथ्स आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आप देखिएगा, वहाँ पर उपलब्ध है। साथ में रीजनिंग के भी आपको स्पेशल रीजनिंग मिल जाएगी टॉपिक वाइज और टाइप वाइज। तो केवल यहीं से आपको पढ़ना है, 45 प्लस क्वेश्चन आप आसानी से एग्जाम में कर पाएंगे।